सुप्रीम कोर्ट के फैसले से छोटा राजन को जेडी हत्याकांड पर दोषी करार दिया गया है। मुंबई के पोवई में 56 साल के पत्रकार ज्योतिर्मय डे की 11 जून 2011 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। लेकिन आप और हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जेडी पत्रकार को शायद ही जानते होंगे। बता दें, जेडे पत्रकार का पूरा नाम ज्योतिर्मय डे है और जेडे टैबलॉइड न्यूज़पेपर मिडडे में वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर संवाददाता है। कहा जाता था कि किसी वारदात की पूरी खबर पुलिस के पास भले ना हो, लेकिन अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हर खबर ज्योतिर्मय डे के पास होती थी। जेडे लगातार छोटा राजन के खिलाफ लिख रहे थे और उसके काले कारनामों को उजागर कर रहे थे। इस बात को लेकर छोटा राजन ने जेडे की हत्या करवा दी। अभियोजना पक्ष का यह भी कहना था कि जेडे मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की प्रशंसा करते थे, जो छोटा राजन को खराब लगता था। इस मामले में कहा जाता है कि छोटा राजन ने कई चैनलों को धमकी भरे फोन कॉल भी किए थे। इस दौरान उनका कहना था कि वो जेडे को बस धमकाना चाहता था। और वहीं 11 जून 2011 को मां से मिलकर घर लौटते समय दिन दहाड़े जेडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दिन वे अपनी मां के घर से पवई में अपने घर बाइक से लौट रहे थे। जेडे हत्याकांड की सुनवाई 7 साल चली और आखिर वो घड़ी आ गई जब जेडे पत्रकार को इंसाफ मिल गया। SP9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।